हिमाचल में मानसून ने धमाकेदार एंट्री के साथ तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। भारी बारिश से एक पक्का मकान, 13 गाड़ियां और एक स्कूल की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। बाढ़ में बहने से 5 बकरियां मृत और 16 लापता हुई है। बारिश के कारण 2.56 करोड़ की सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति तबाह हुई है। प्रदेश में 85 सड़कें जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण बंद पड़ी है। इसी तरह हेरिटेज शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण 2 दिन से सभी ट्रेनें बंद है। इसमें लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। भारी बारिश के बाद चंडीगढ़ मनाली NH21 भी 7 मील में लैंडस्लाइड के बाद शाम के वक्त से अवरुद्ध है। इससे सैकड़ों गाड़ियां आधी रात तक जगह जगह फंसी रही। स्थानीय लोगों सहित टूरिस्टों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो आज भी कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कल से अगले 72 घंटों तक येलो अलर्ट दिया गया है। ऑरेंज अलर्ट अमूमन तब जारी किया जाता है जब 24 घंटे के भीतर एक स्थान पर 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर के बीच बारिश हो। ऑरेंज अलर्ट में कुछ जगह पर बादल फटने जैसी घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इसी तरह 15.6 से 64.4 मिलीमीटर तक बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया जाता है। प्रदेश में 25 जून को नॉर्मल से 247% अधिक बारिश हुई है। 19 से 25 जून के बीच भी नॉर्मल से 102% ज्यादा मेघ बरसे। अगले 4 से 5 दिन भी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। ऊना, लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में नॉर्मल से कई गुना ज्यादा बारिश हो चुकी है। N1 लाइव की खास रिपोर्ट।